हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द लसपाल फैमिली। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग मिले हैं जो कि पहाड़ से आए हुए हैं, गंगोली हाट के हैं ये, और ये बैग पाइप पर बजा रहे हैं यहाँ पे, जो कि मसकबील बोलते हैं इसको, और पहाड़ी बाजा है, काफ़ी मशहूर भी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मतलब आवाज़ सुनी मैंने इनकी, तो मुझे जिज्ञासा भी कि कौन बजा रहा है, क्या है। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा क्योंकि पहाड़ी धुन है, तो ऑब्वियसली मतलब उस तरफ ध्यान जाता है। और ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे पास में, ठंडी सड़क के बिल्कुल सामने है ये, और इनको मैंने सुना तो मैं यहाँ पर आया। और ये किस वजह से बजा रहे हैं यहाँ पे, एक तो थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते हैं आदमी को, थोड़ा पैसों वगैरह के लिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि आदमी कुछ काम करके मतलब पैसे जुटा रहा है एक तरह से, क्यों, फैमिली का पेट भर रहा है, तो वही चीज़। और ये प्रोफेशनली भी काम करते हैं, अभी मैंने इनसे बात करके थोड़ा मुझे पता लगा कि इनकी प्रोफेशनल भी टीम है 27 लोगों की, 12 लोगों की, जैसे जैसे डिमांड होती है। तो ये शादी वगैरह में भी जाते हैं और विवाह समारोह में मतलब, और पूरे जो छलिया बाजा होते हैं जो आपको यहीं कुमाऊँ और गढ़वाल में ही मिलते हैं यहाँ पर, और बाकी बाहर भी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा इनको एक तरह से एक शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत लुप्त होती जा रही हैं। इवन ये कि जैसे मान लो आप आज काम कर रहे हो, तो जो नई आगे आने वाली पीढ़ी है ना, वो काम नहीं कर रही है। अभी थोड़ा सा ये अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे, फिर उसके बाद ये थोड़ा कुमाऊनी धुन वगैरह सुनाएंगे, और जो छलिया बाजा में बजाते हैं वो चीज़ें सुनाएंगे पहले तो। मेरा नाम जीवनलाल, मैं क्षेत्र गंगोली हाट ओली गांव से आया हुआ। मैं ज़्यादातर डमडे गांव में ननियाल में ज़्यादा रहता हूँ, और कभी यहाँ कभी कभी आया करता हूँ, हमेशा यहाँ आने का मौका नहीं मिलता है जी। कभी बाई चांस से किसी और शहरों में भी जाता हूँ। तो अभी कौन सी धुन सुनाएंगे हमको, बेड़ू पाको सुनाएंगे? चलो पहले बेड़ू पाको सुना दो एक बार। अच्छा, इनकी अलग अलग आवाज़ें आती पीछे से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत उमदा। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आप कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं? तो उत्तराखंड के होंगे ना, कितना मज़ा आता है ना उत्तराखंड की जो वाद्य यंत्र है वो सुनने में, अगर इसके साथ दमो अगर नगाड़े हुए थे कितना मज़ा आ जाता। बहुत मज़ा आया। तो शादियों की शोभा बढ़ाने वाले यही हैं, यही हो। और आज के टाइम पे एक और चीज़ भी है, जो ये मसक बीन है ना, ये लुप्त होता जा रहा है, इसके जगह पे क्या रहा है, प्यानो आता जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्यानो में मज़ा आता है? नहीं, अब बात जो है असल में इसमें ही मज़ा, इसी में मज़ा, इसी में ही। और वैसे ये यहीं पे नहीं बजाया जाता है, ये हमारे स्कॉटलैंड आपने सुना होगा जी, जी। वहाँ पर भी बजाया जाता है, बाहर फॉरेन कंट्रीज में। कंट्री का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा जी, एक्चुअली इंडिया में ज़्यादा, ये इंडिया में ज़्यादा, और खासकर उत्तराखंड में, हिंदी एरिया में तो छलिया टीम में बचता ही। हाँ, छलिया में तो जाते ही जाता है। और ये मिलिट्री वालों के पास भी होता है। हाँ, मिलिट्री वालों के पास भी है, मिलिट्री बैंड जितने भी है, कुमाऊँ रेजिमेंट हो गया, गढ़वाल रेजिमेंट हो गया, कौन सी टीम, हाँ जो फौज के बैंड वगैरह होते हैं ना, क्रिकेटर सब संभालते हैं इसको। अच्छा अच्छा में जो ये
चलो बहुत बढ़िया आप लोग ये जो पुरानी परंपरा है हमारी जो है आप उसको आगे लेके जा रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ हमारे युवा भी इसको आगे फॉलो करते रहें। और लास्ट धुन एक सुनाएंगे, कौन सी? छलिया वाली। हाँ, उसके बाद हम दी एंड कर देंगे। और इसको बजाने बहुत मेहनत लगती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए और हो सकेगा तो फ्यूचर में मिलेंगे आपसे। और आपको हमारे तरफ से अगर कुछ डिमांड वगैरह मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई अगर आपको डिमांड दे तो। और आपका कॉन्टैक्ट इनके पास तो है नहीं, मैं अपना इनको कॉन्टैक्ट दूंगा, अगर ये हमसे शेयर करेंगे फिर हम आपसे चैनल के ज़रिए बाकी लोगों तक शेयर करवाएंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो अभी ये अंकल बता रहे हैं कि लेदर की बनी हुई, इसको मेंटेन करना भी बहुत महाभारत ही है। और अब ये दिल्ली से आ रखे हैं अभी इस टाइम पे, और इसको मतलब ये पूरा बैग इनको बनाना पड़ता है। और बाकी कुछ और चीज़ें बता रहे थे, वो कह रहे थे सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ, तो इसमें बीन वगैरह पूरा चेंज करवा के लाए हैं ये मेरे से। इसका आपने ओवरहॉलिंग करवा दिया पूरा, पुराना था बदली किया मैंने, सर्विसिंग करवाया आपने पूरा इसका। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो देखिए ये शख्स किस तरह पहाड़ी धुन जाकर लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप के बाहर। और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत पहले से आता हूँ यहाँ पे, आता जाता रहता हूँ। और फिलहाल ये दिल्ली से आ रखे हैं अपना इसको सर्विसिंग करवा के पूरा। तो ठीक है, ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, इससे क्या है कि हमारा जो धरोहर है वो भी आगे बढ़ती रहेगी और साथ में हमारा एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा।